एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। आज फिर बिना परमिशन वार्ड नंबर 2 में उम्मीदवार रीना देवी के पक्ष में करीब 40 गाड़ियों और 50 मोटरसाइकिल से हुड़दंग किया गया, प्रचार किया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, रीना देवी जो कि निकाय चुनाव के मैदान में उम्मीदवार के तौर पर उतरी हुई हैं, उन्होंने यहां पर अपने समर्थन में एक बड़ी विशाल रैली निकलवाई। कई वाहन इस रैली के अंदर दिखाई दिए, हालांकि चुनाव आयोग की ओर से इसकी परमिशन जो है वो नहीं ली गई थी। आपको बता दें कि 19 जून को जो है निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, और अगर कहीं पर कोई भी लगता है कि कोई कमी रह गई है मतदान में, तो 21 जून को फिर से मतदान होगा, 22 जून को नतीजे होंगे घोषित। बढ़ते हैं आगे। भवानी खेड़ा नगर पालिका में गलियों की मांग को लेकर पिछले एक हफ्ते से धरने पर बैठी पार्षद मीना चोपड़ा की अगुवाई में कई दर्जन ग्रामीणों ने नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन उनकी गलियों का निर्माण नहीं करवा रहा है, जिसके कारण उन्हें गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धरने पर बैठे वार्ड 4 के पार्षद मीना चोपड़ा ने कहा कि जब तक कार्य शुरू नहीं हो जाते हैं, तब तक उनका धरना यूं ही जारी रहेगा। बैठे हुए हैं और कुछ वार्ड लेडीज बैठी हैं, आवास योजना के तहत उनको 2.5 लाख रुपए नहीं मिले, उनके घर तोड़वा के गिरा दिए गए हैं, वो किराए पर बैठी हुई हैं, उनको भी ये समस्या का समाधान करवाया जाए। लेकिन हमारे को ये आज आश्वासन दिया है, सिर्फ आश्वासन दिया है कि आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। हम अपना धरना जारी रखेंगे, तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। मेरे नहीं, सभी जो जो अपनी मांगों को लेकर आए हैं, सभी मांगों को पूरा करेंगे जब हम धरने पर चले।